नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर और भगवान परशुराम की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिनसेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही सौहार्द व शांतिपूर्वक मनाया गया। शनिवार की सुबह ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। वहीं त्यौहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खास उत्साह देखा गया। वहीं जैनपुर ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। नगर निकाय चुनाव के चलते ईदगाह ऊपर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही। प्रत्याशियों में पुरुषोत्तम यादव, हरिशंकर यादव, नर्मदा गुप्ता, मुन्ना यादव, आभाष त्यागी, सतीश सोनकर, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, राजेश चौहान, दीपक गुप्ता, निहाल मेहंदी, पप्पू पाठक आदि लोग मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांगते नजर आए। उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला और प्रभारी निरीक्षक जैनपुर यादवेंद्र पांडे भारी फोर्स के साथ ईदगाहों का भ्रमण करते नजर आए।